हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, देखो हमारी एक्सरसाइज मंडी चल रही है, फिनिश हो जाएगा चैप्टर आपका। मंडे में आपका टेस्ट है, टेस्ट 5 to 6 होगा। एग्जैक्ट 5 o'clock पे मैं आपको टेस्ट पेपर सेंड करूँगा। 6 o'clock पे आपको टेस्ट अपना फिनिश करना है, ट्राई करना है। उसके बाद आपको वो क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मेरे व्हाट्सएप पर्सनल नंबर पे सेंड करना। मैं आपको टेस्ट कॉपी चेक करके ऑन द सेम डे और मे बी टुमारो तक आपको सेंड कर दूँगा। और देखो, जो टेस्ट नहीं देगा वो मत पढ़ो, ऑनलाइन भी मत पढ़ो मेरे से। या तो खुद रिमूव हो जाओ ग्रुप से, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीक बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन लूँगा। या तो आपको पढ़ना पड़ेगा या आप रिमूव हो जाओ, मत पढ़ो। जब लॉकडाउन खत्म होगा तब की तब देखेंगे, लेकिन जो सिलेबस हो जाएगा वो तो हो जाएगा सिलेबस। इसलिए आपको मंडे में टेस्ट देना कंपलसरी हो, टेस्ट चीटिंग करके नहीं देना है। ये आपकी वो है ऑनेस्टी, या आप चीटिंग करके दे रहे हैं या बिना चीटिंग करके दे रहे हैं। क्योंकि मैं आपके घर तो आके देखूंगा नहीं कि आप कर क्या रहे हो। इसलिए कोशिश ये करनी है कि आपको टेस्ट ऑनेस्टली देना। मैं ऑनेस्टली पढ़ा रहा हूँ तो आपको ऑनेस्टली पढ़ना है और टेस्ट देना है, क्योंकि कुछ दिनों तक अब ऐसे ही हमें पैटर्न अपना फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही हो सकता है 3 चैप्टर ख़त्म हो जाए, 4 चैप्टर ख़त्म हो जाए, कुछ नहीं कह सकते अभी। और नेक्स्ट वीक में और नया पैटर्न भी लाऊंगा, कुछ देखना। एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, 15। इसके बाद एक तो आपको ये करना है कि 15, 16, 17 तो मैं करा रहा हूँ, उसके बाद इस एक्सरसाइज 1D के आपको एग्जाम्पल करनी है। कोई क्वेरी हो तो अपना इवनिंग में 7 to 9 मेरे को भेज देना, मैं ऑनलाइन रहूँगा उस टाइम पे। अभी वैसे मैं एक क्वेश्चन और ऐसा आपको एग्जाम्पल नंबर 7 करा दूँगा, 7 or 8 एग्जाम्पल। देखो, जब भी 2 अंडर रूट वाले आते हैं, बहुत बच्चों की क्वेरी आती है कैसे होंगे सर 2 अंडर रूट वाले आते हैं, तो लेट अंडर रूट 3 + अंडर रूट 5 का रेशियो नंबर, लेट 8 be 4 prime, यानी तो 8 be 2 पॉजिटिव इंटीजर व्हिच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो √3 + √5 = a/b। आपको ना यहाँ पे स्क्वायरिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दोगे ना तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आएगा √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, फिर आएगा 2ab, तो √3 × √5 आएगा। देखो, √3 + √5 का होल स्क्वायर कितना आएगा, √3 का स्क्वायर 3, √5 का 5 प्लस का 2a × 8 + 2 √15 है, क्योंकि 3 × 5 = 15। तो जो क्वेश्चन हमारा गिवन था ना, उसमें से ना तो √3 भी चला गया, √5 भी चला गया। तो जो क्वेश्चन है वो उसमें से या तो √3 रखूँ या √5 रखूँगा, तो तभी पॉसिबल है जब आप किसी एक को उधर लेके जाओ। मैं √5 को लेके जाऊँ, आपको √3 को लेके जाना, √3 को लेके जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक रूट को उधर लेके जाओगे, √3 = a/b - √5, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, √3 का स्क्वायर a/b - √5 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना हुआ था, a² + b² - 2ab, तो आ जाएगा आपका 2a√5/b जाके प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा a² + b² + 5 प्लस का 3 जाके माइनस हो जाएगा, a² + b² - 2ab, a² / b² √5 का स्क्वायर 5 माइनस का 2a कितना है a/b × b कितना है √5, ये माइनस का 2a√5/b माइनस का तो जरा के प्लस हो गया, ये आगे a² + b² 5 प्लस का 3 हो जाएगा, किसका हो गया माइनस का, 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2, b² कैंसिल कितना है b², तो आगे a² + 2b² / b² 1b से 1b कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये बचा आपका √5 a² + 2b² / 2a, अब ये a² + 2b² / 2a कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, तो √5 भी कैसा होगा, रेशनल होगा, बट √5 कैसा है, इरेशनल है, देयरफॉर इट कंटेडिक्ट्स आवर अजम्पशन, देयरफॉर इट इज अ इरेशनल। जब भी 2 अंडर रूट वाले होंगे, किसी 1 अंडर रूट को आपको उधर लेके जाना है, मैं √5 को लेके जाऊंगा, फिर उसकी स्क्वायरिंग करिए बोथ साइड, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, a² + b² - 2a, रूट वाले को इधर लेके आना, बिना रूट वाले को उधर लेके जाना, यहाँ पे √5 वाले को रखना है बस। तो ये बी से बी कैंसिल हो गया, नीचे आ गया, ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, बट ये रेशनल है देयरफॉर कंटेडिक्ट्स आवर अजम्पशन, देयरफॉर इट इज अ रेशनल नंबर, देख लो ध्यान से। अभी एक क्वेश्चन ऐसा और करूँगा मैं।
ठीक है, एक रूट को इधर लेके आए, स्क्वायरिंग करी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, रूट वाले को इधर ले गया, बिना रूट वाले को इधर ले आया, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करा, एन से बी आर, बी से बी कैंसिल हुआ, टू ए नीचे आ गया, ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, बट ये रेशनल है तो फिर कंट्राडिक्शन हो जाएगा, तो रेशनल रेशनल में किसी रेशनल को ऐड करते हो तो क्या साथ आएगा रेशनल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसके जैसे देखो एक और क्वेश्चन है आपका, पेज नंबर 34 पे एग्जांपल नंबर 6 है, एग्जांपल नंबर 7 है, मैं 6 तो कर नहीं रहा हूँ, 7 कर देता हूँ, अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू वाला, तो कुछ नहीं होगा, देखो कैसे करूँगा, ये अंडर रूट पी आ गया, ये अंडर रूट क्यू आया, अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू, ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा 7 है, अंडर पी प्लस अंडर क्यू इज अ रेशनल नंबर, ए एंड बी आर बोथ प्राइम, अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू इक्वल्स टू ए अपॉन बी, एक को इधर लेके जाऊंगा, अंडर रूट पी इधर रखता हूँ, अंडर रूट क्यू इधर लेगा, तो ये आ गया अंडर रूट पी का स्क्वायर, ए अपॉन बी माइनस के अंडर रूट क्यू का होल स्क्वायर, सेम थ्री की जगह क्या आ गया पी और फाइव की जगह क्यू, रूट पी का स्क्वायर पी हो गया, ए अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, रूट क्यू का स्क्वायर क्यू, या गया टू ए अंडर रूट क्यू अपॉन बी, ये इधर आएगा तो कितना आएगा टू ए अंडर रूट क्यू अपॉन बी, यह आएगा आपका क्यू माइनस क्यू, अभी माइनस नहीं मिलेगा, यही पहले से मान जाएगा क्योंकि क्यू में से तो बी जाएगा नहीं, तो यह आएगा टू ए अंडर रूट क्यू अपॉन बी, कितना एन से मांगेगा बी स्क्वायर एन से मांगेगा, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर बी स्क्वायर, एक बी से एक बी क्या हो गया कैंसिल, अब ये नीचे आ जाएगा टू ए, टू ए नीचे आएगा तो अंडर रूट टू इक्वल्स टू कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर माइनस के पी बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर माइनस का पी बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, ठीक है, ये कैसा नंबर है ए स्क्वायर प्लस का क्यू बी स्क्वायर माइनस का पी बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, इज अ रेशनल नंबर, देयरफॉर रूट क्यू इज ऑल्सो रेशनल, बट रूट क्यू कैसा है इरेशनल, इट कंट्राडिक्ट्स अवर असम्पशन, इट इज ऑल्सो रेशनल, दोबारा देखते हैं, रूट पी प्लस रूट क्यू इज अ रेशनल नंबर एंड वी आर कोप्लाई, रूट पी प्लस रूट क्यू इज अ रेशनल नंबर एंड वी आर टू प्राइम, रूट पी प्लस रूट क्यू इक्वल्स टू ए अपॉन बी, रूट क्यू को उधर ले गया माइनस को गया स्क्वायरिंग नंबर से, क्यू लेके गया समझ में आ गया ना क्योंकि इधर रूट पी क्यू आ जाता, रूट पी का स्क्वायर पी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का क्यू, इधर लेके आया प्लस का हुआ, इधर लेके माइनस का हुआ, या कि टू ए अंडर रूट क्यू अपॉन बी, बी स्क्वायर एल से मान गया ए स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर माइनस के पी बी स्क्वायर, बी से भी कैंसिल हो गया, टू ए नीचे आ गया, ये कैसा नंबर है रेशनल है, अंडर रूट क्यू भी कैसा होगा रेशनल, बट अंडर रूट क्यू कैसा है इरेशनल, इट कंट्राडिक्ट्स अवर असम्पशन, देयरफॉर रूट क्यू प्लस रूट क्यू इज आल्सो इरेशनल, तो सेम है इसी के जैसे एग्जांपल नंबर आपका 6 होगा, एग्जांपल आपको खुद करने हैं, मैं आपको समझा दूंगा बहुत सारे, अभी एग्जांपल नंबर 8 नोट कर देता हूं और क्वेश्चन नंबर 16 और 17 बनेंगे, इसके अलावा कोई भी क्वेरी तो आप इवनिंग में सेंड कर देना, मैं कल आपको साइन कर दूंगा फिर वीडियो बना के, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 8,
कराऊंगा सर मैं अपने हिसाब से, वो है बहुत इजी वैसे एग्जाम नंबर 8 पे। एग्जाम्पल नंबर 8 पे क्या दे रखा है कि खत्म ये चैप्टर, फाइंड रेशनल बिटवीन अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 7। अंडर रूट 2 को लिखते हैं 1.414, अंडर रूट 7 होता है 2 पॉइंट समथिंग होगा ना। अब इसके बीच में रेशनल नंबर लिखना है, लिख लो कुछ भी लिखना था, 1.5 आ गया, 1.6 आ गया, 1.7, 1.892, व्हाटएवर जो मर्जी जितने मर्जी हो गए लो। एग्जाम्पल नंबर 8 जरूरी है उसके तरीके से करना है भाई। रूट 5 2 कितना होता है, 1.414 होता है, याद कर लो। रूट 7 कितना होगा, 2 और 3 के बीच में तो होगा क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 होता है, 3 का अंडर रूट 9 का अंडर रूट 7 होता है। तो 2.5 मान लो, 2.6 मान लो, 5 मान लो, तो मैंने इसके बीच की कोई भी नंबर लिख दी। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 16 है, गिवन एग्जाम्पल ऑफ टू इरेशनल नंबर हूज सम इज इरेशनल। मान लो कि आपका 2 प्लस रूट 3 है, बी आपका 2 माइनस रूट 3 है, दोनों को प्लस करो, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, क्या आ गया आंसर 4। ये इरेशनल, ये इरेशनल, रिजल्ट कैसा है इरेशनल। आएगा सर इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में जोड़ा, रिजल्ट कैसा है इरेशनल, मल्टीप्लाई कर लो सेम आंसर लेके, 2 प्लस रूट 3 ये सेकंड आंसर है, 2 माइनस रूट 3, ए प्लस बी माइनस बी 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का 3, कैसा आ गया इरेशनल। तो दोनों के आप सेम आंसर दे सकते हो। एग्जाम्पल 1 में भी क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में भी ये आंसर दे सकते हो और सेकंड पार्ट में भी, क्योंकि 2 प्लस रूट 3 के 2 माइनस रूट 3 प्लस करोगे तो रेशनल होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो भी कैसा होगा रेशनल होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 16 हो गया। 17 करते हैं सर, देखो 17 क्वेश्चन, और इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर देना 7 to 9 के बीच में। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर ऑलवेज रेशनल, बिल्कुल सही बात कह रहा है, 2 रेशनल है, 3 रेशनल है, 5 कैसा हुआ रेशनल है, ट्रू है। सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल ऑलवेज रेशनल, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, 2 रेशनल, 3 रेशनल, 2 प्लस 6 रेशनल, ट्रू हो गया। थर्ड पार्ट, द सम ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज रेशनल, ये गलत है, 2 प्लस रूट 3 कैसा होता है, रेशनल होता है ना, 2 माइनस रूट 3 भी कैसा होता है, रेशनल, प्लस करना कैसा हुआ, फॉल्स। दो इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल नहीं आता, रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, इसलिए फॉल्स हो। कोई चीज ट्रू तब होती है जब वो फुल्ली ट्रू हो। आप दो इरेशनल नंबर को जोड़ के हमेशा इरेशनल नहीं आने का, देखो दो इरेशनल को जोड़ के रेशनल भी आ सकता है, इसलिए आंसर क्या हुआ, फॉल्स। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, ये भी फॉल्स है। अभी दिया था मैंने एग्जांपल 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं आ सकता, आ सकता है लेकिन नहीं भी तो आ सकता है। तो कोई चीज़ ट्रू तब होती है जब उसमें कोई केस हो ही ना ऐसा कि हाँ वो गलत प्रूफ कर रहा है। 2 का स्क्वायर माइनस के रूट 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 3 कितना है, बनाया क्या गया, क्योंकि दो इरेशनल का प्रोडक्ट कैसा आ गया, रेशनल गया, आ सकता है इरेशनल। जैसे रूट 2 इंटू रूट 3 तो रूट 6 हुआ ना, कैसा हुआ, इरेशनल हुआ, लेकिन रूट ये तो इरेशनल की प्रोडक्ट कैसे आ गई, रेशनल आ गई। तो इरेशनल की प्रोडक्ट रेशनल भी आ सकती है और इरेशनल भी आ सकती है। उसने बोला था कि इरेशनल की प्रोडक्ट ऑलवेज इरेशनल होती है, तो ऐसा नहीं होता, इसलिए क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट है द सम ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, ये सही बात हो गया, 2 आपका रेशनल है, रूट 3 इरेशनल है, तो रिजल्ट कैसा आएगा, इरेशनल। अगर आप रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को जोड़ोगे तो हमेशा इरेशनल आएगा, इट इज ट्रू। लास्ट पार्ट है आपका, ये लास्ट पार्ट इसने गलत दे रखा है। लास्ट पार्ट में कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, 2 इंटू अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 इरेशनल है, तो आप कहोगे सर 2 है।
जी आपने तो टू ले लिया, रेशनल नंबर था, रूट थ्री रेशनल नंबर था, तो टू अंडर रूट थ्री रेशनल आया, तो इसके हिसाब से तो ट्रू है, तो ठीक है ट्रू है, लेकिन गलत क्यों है? यहाँ पे इसको लिखना था प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, क्योंकि अगर मैं सपोज करूँ जीरो ले लूँ, जीरो इंटू रूट थ्री, वैसे एक्सेप्शन केस बस एक जीरो ही है, जीरो आ गया ना तो कैसा है, रेशनल आया। जीरो रेशनल होता है नहीं होता है? एंड नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1 में क्या पढ़ा था, फर्स्ट क्वेश्चन, इज जीरो इज अ रेशनल नंबर, इफ यस देन राइट दैट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो ये यहाँ पे गलत दे रखा है, या तो आप क्वेश्चन का आंसर लिखो फॉल्स, नहीं अगर क्वेश्चन या तो फिर या क्वेश्चन को ठीक करो, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। कोई भी आपको क्वेरी हो इवनिंग में 7 to 9 में ऑनलाइन मिलूंगा, आप मुझे भेज देना, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा 7 to 9, और मंडे में आपको टेस्ट देना कंपलसरी है अगर ग्रुप में एक्टिव रहना चाहते हो। थैंक यू।